पशुओं की बात पशुपालकों के साथ पशुपालन विकास मंत्री देखने वाले सारे भाई ने गुरमीत कवि की हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार है। पहुंच चुके हैं भाई दीनदयाल जी रफकालू भाई के घर पर, गांव बलाली है, जिला चरखी दादरी है, भाई साहब के पास पहुंचे हैं। पहली वीडियो भी हमने बिल्कुल पशुपालन विकास मंच पे इस झोटी की बनी थी और इसी झोटी ने बिल्कुल भाई धनोला मेले में तीसरा स्थान हासिल किया है। बिल्कुल भाई साहब दीनदयाल जी मेले में पहुंचे थे, भाई साहब से जानेंगे, साथ में उनकी धर्मपत्नी है, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, घर पर वही संभालती हैं। तो क्या क्या डाइट चार्ट बना रखा, किस प्रकार इतने दूध पर मैं लेकर गए, क्या क्या इसको खिलाया, पूरी जानकारी मिलेगी और कैसे मेले के रिजल्ट रहे, मेले के रिजल्ट से कितने संतुष्ट हैं, सारी बातें आप इस वीडियो में जानेंगे। और दीनदयाल जी और उनकी धर्मपत्नी से आपकी मुलाकात कराते हैं। धनोला मेले पर तीसरा स्थान हासिल करने वाली झोटी आज आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। तो दीनदयाल जी सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, एक बार राम राम कर दो सारे भाई। राम राम मैम, आप भी राम राम कर दो। राम राम जी। और ठीक हो भाई साहब? ठीक है मैम, आप भी ठीक हो? हाँ जी। कितनी खुशी हो रही है आपकी झोटी ने जो तीसरा स्थान हासिल किया है धनोला मेले में? खुशी हो रही है जी, बहुत ज्यादा। कितना दूध निकाला है मेले में आपकी झोटी ने, बताओ? आप भी गए थे मेले में? गया था जी। दोनों थे आप? हाँ जी। बिल्कुल भाई, मेले में मैम भी गई थी और साथ में भाई साहब है जो बिल्कुल, और भाभी जी, दोनों साथी गए थे। और कितना दिन लगे वहाँ मेले में जी? 9 दिन जी। 9 दिन? हाँ जी। किस डेट को गए थे यहाँ से? 25 तारीख को। और वापसी कब हुई है? 3 तारीख को। कितना ट्रेवल है, कितनी दूर पड़ता है अपने अपने घर से मेले की बात करा, धनोला का जो मेला स्थान था कितना? 300 किलोमीटर कम से कम। कितना घंटे? फिर परेशानी तो नहीं हुई भाई साहब ज्यादा? परेशानी नहीं हुई। अच्छा, ठीक रहा ट्रेवल? जाते समय भैंस बीमार हो गई थी जी। हाँ, इसलिए बड़ी परेशानी आ गई, लेकिन भैंस फिर भी 2 रुपए चल पड़ी थी। 1 किलो सुबह बढ़ाती थी, 1 किलो शाम को। मिल्किंग की बात करा, मिल्किंग में आपकी झोटी ने तीसरा स्थान हासिल किया, कितने टाइम की मिल्किंग का वहाँ रिजल्ट बनाया था, कितने दिन पहले एंट्री हुई थी, कैसे क्या बात थी? 9 दिन पहले एंट्री हुई थी? नहीं जी, एंट्री तो 25 तारीख को हुई थी। 25 तारीख को एंट्री हो गई मैम? हाँ जी, जी। और 9 दिन मिल्किंग करवाई थी? 9 दिन होने मिल्किंग, 4 दिन खाली करवाई थी और 5 दिन ने दूध तुला था। 4 दिन तो वही खाली कराया गया, 5 दिन बिल्कुल झोटी का दूध तुला। कितना दूध निकाला इसने जी? 21 कुछ निकाला था। 21 किलो? किलो में था ना जी? हाँ जी, किलो था। आपको पता है एग्जैक्ट कितना दूध था? नहीं एग्जैक्ट, हमने हिसाब लगाते जीती जाती है हमारी भैंस, हिसाब ही नहीं आया, हमने अनपढ़ आदमी थे। हाँ। हमने ये पता नहीं लगा कि 100-200 ग्राम से जीत रही है भैंस। अच्छा, नहीं तो हम और कुछ खिला पिला देते, सेब खिला देते, अनार खिला देते, कुछ खिलाया। हमने सोचा भाई ये भैंस अपने पास तो एक भैंस है, छोटे जमींदार है, और भाई अपना रह नहीं देते, कुछ खिलाने पिलाने को, भैंस हार जाएगी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, ये तो भैंस 4-4, 5-5 लाख रुपए की है, हमारी भैंस महंगी है। ठीक, हमने इसलिए जी डर गया, हमने वहाँ कुछ नहीं किया। फिर नहीं तो सभी आदमी आवाज लगा रहे थे भाई, पहले नंबर जमींदार की, एक जमींदार है उसकी भैंस आम जमींदार की पहले नंबर पे आ रही। कालू के रुके लग रहे थे, मैंने भी सुनी है मेले में भाई कालू, सभी ने दूर तक सुनी है जी। और भैंस भी अपनी अच्छी थी, कोई भैंस नहीं थी अपने बराबर। ठीक मेले इसके काफ ने भी स्थान मिला है? इसके काफ ने जी पहला स्थान मिला है जी, पहला स्थान। लेकिन हमें नाम उसके भी नहीं लाया जी। अच्छा अच्छा, हमने ये कहा था भाई हमें नाम लेंगे तो दूसरे नंबर के लेंगे, नहीं तो वो पहले बोल रहे थे 1.5 किलो से ऊपर जंप मारेगी ना भैंस। हाँ। तो हम उस भैंस को काट देंगे। ठीक अपनी ने कितना जंप लगाया? अपनी ने तो जी सुबह मारती थी 0.25 किलो का और शाम को 1 किलो का। 1 किलो का मतलब अपनी कोई गलत नहीं थी, रूटीन वाइज बढ़ाती थी, यानी कि गलत दूध बढ़ा रह दिया, कोई रिकॉर्ड चेक कर लो अपना। ठीक अब घटी भी रहते हैं तो उसी हिसाब से घटी है, यानी एकदम से घट गयो। हाँ भाई, जिससे डाउन मारा तो उसी हिसाब से डाउन मारा तो उसी हिसाब से मारा जिस हिसाब से बढ़ रही थी। ठीक, क्योंकि दूसरी जगह गई थी सेट होने में पशु ने टाइम भी लगा और बीमार हो गई थी, जो कुछ हम नए आदमी थे। हाँ। और मेरा भी ठीक ठाक था, हमने मेरा यानी कहते बढ़िया व्यवस्था थी। हाँ। और सब कुछ ठीक था जी। तो भाभी जी कैसा अनुभव रहा पहले मिलेगा जिंदगी का, मेरे ख्याल से पहला मेला रहा होगा तो कैसा अनुभव रहा आपका मिलेगा? ठीक था मेला। रिजल्ट से संतुष्ट हो वैसे आप? नए बंदे थे, हमने कुछ पता था नहीं, पहले मिले का एक्सपीरियंस था। कोई तो दे है जी 20-20 ना दे है उते। हाँ। कम मजे, हम कुछ दे नहीं रहे, ऑटोमेटिक दूध बढ़ा रही अपनी में, जो टीना अपनी में इसने जो दूध दिया है भाई साहब और भाभी जी, चारे चारे पे दूध दिया है वो, चारे चारे भी जी इसने को खाया है कोई नहीं, बीमार हो गई थी जी, चारा भी नहीं खाया हमने तो, वहाँ साइड में फेंकी है चाट सारी। अच्छा, हरी दूध लिया और हरा चारा लेते थे गाँव में से किसी के, भाई ये पाड़ के लेते थे, एक पार्क से दूध पाड़ के लेते थे। ठीक और कुछ नहीं डाले हम। ठीक तो आपके सामने है भाई, बिल्कुल भाई साहब पूरा मेले का खुद देखा हाल बता रहे। कितने पशु आ रहे थे मिल्किंग में भाई साहब? 65वां नंबर हमारा था जी, और वहाँ टॉप की भैंस आ रही होंगी 65, ये तो है नहीं कोई आम ले जा रहा हो। हाँ। छांट के भैंस ले जा रहे थे,
पूरी भैंसों में से जैसे देखने वाले आते थे मेरे के हाँ। वो सभी आदमी आके अपनी भैंस के पास रुकते थे, सभी आके देखते थे भी कालू भाई हाँ। है। फिर वो बोलते थे भाई भैंस तो ये जीतेगी, मैं हाथ जोड़ देता भाई आगे बढ़ लो भाई आगे बढ़ लो, हमने पहली बार भैंस निकाली थी घर से। ठीक 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 ठीक, उससे पहले अपने घर पे रहा, घर पे रहा करते। ठीक ठीक, आगे तैयारी कौन से मिलेगी है भाभी जी, फिर है उम्मीद आगे जाओगे मेले में? हाँ जी, मेला जरूर देखेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, अभी उत्साह बन गया पूरा परिवार में, क्योंकि एक मध्यम वर्ग परिवार से बिल्कुल एक गरीब किसान है का जब इतने बड़े लेवल पर नाम आता है तो उस किसान को भी खुशी होती है, और भाई सारे साथियों को जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं पूरे गांव में खुशी का माहौल है। हाँ, तो पूरे गांव में जैसे हम आए हमने पता कराया, खुशी का माहौल तो नहीं है जी गाँव में, गाँव न्यू नहीं है, डर गया किस लिए तुम? अच्छा, दूध होते समय तो डर गया, क्या मतलब होया बोलो? ठीक ठीक ठीक, मतलब खिलाना पिलाना था आपको, अपने खिलाना पिलाना था, बोले तुम बैठे रहे वहाँ चुपचाप, किसी की मन ही नहीं। मैं बोला भाई साहब मैं डर गया अपने पास एक भैंस, सुनवाई नहीं, घंटा भैंस करी जी कोई समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं निकला। अच्छा अच्छा, भैंस भी करी है जी, फिर समाधान नहीं निकला? नहीं निकला भाई। आप लोग देख सकते हो आपके सामने सारे विचार है, इसमें कोई बनावट वीडियो में नहीं है, अगर अपन कह के कोई बात को आ रखी, आपके सामने दोनों पशुपालक बैठे हैं बिल्कुल, उनकी दीनदयाल जी की धर्मपत्नी भी है और खुद दीनदयाल जी भी है, दोनों मेले में गए हुए थे लगातार 9 दिन इन्होंने मेले में रहे भी हैं, जो रिजल्ट है आपके सामने है आप लोग खुद देख सकते हो। पशुपालन विकास मंच की टीम बिल्कुल आज पहुंच रही है गांव बलाली जिला दादरी में, तो अपना कटड़ा भी लेके गए थे आप पिछली वीडियो में, जो कटड़ा आपने दिखाया था जी, इसका नीचे काप था वो लेके गए थे जी। अच्छा अच्छा, वो नहीं लेके गए जी पहले वाला। अच्छा, बड़े वाला बोल वो नहीं लेके गए, वो ले जाते हैं वो फर्स्ट आता जी, वो हमने सेल कर दिया जी। अच्छा, धारा पाव मेरे में आप खुद ही निकालते थे उनकी तरफ से कोई? तो जी हमने दूध नहीं निकालना आता था जी, नहीं तो इतना दूध तो निकालने में बढ़ा देती थी भैंस। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने ज्ञान है नहीं है, क्यों आम जमींदार है, हमने व्यापारियों की तरह ज्ञान थोड़ी है जी। हाँ हाँ हाँ। हम तो आम जमींदार है, जैसे ठंड पाड़ते रहते हैं वैसे ही। ठीक 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 ठीक, तो और किस तरीके से धार काटना था भाई साहब आपने? तो भाई साहब भैंस के थाने हिलने नहीं देते, ऐसे ऐसे मुठियों से काटते हैं, हम ऐसे खेच खेच के काटते हैं। ठीक 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 ठीक, वहाँ मेरे बाबू देखने बाबू तो बोले है कि भाई तुमने दूध नहीं निकालना आता, निकालने निकालने में जीत जाती भैंस तेरी। ठीक 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 ठीक, हाँ दूध निकालने का जो तरीका था मतलब मेरे के हिसाब से वो तरीका आपने नहीं अपनाया? नहीं अपनाया जी, आपने काटना नहीं आता जी उस तरह। ठीक 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 ठीक, वो कैसे बता रहे थे दोबारा इंडिकेशन करके? वो मुट्ठी से निकाल रहे थे जी, वो थनु को हिलने नहीं देते और हम तो निकालते हैं ऐसे जी। अच्छा अच्छा अच्छा, इस चीज का बहुत फर्क लग गया? बहुत फर्क, वो आम आदमी देख रहे थे वो सभी कह रहे थे जी, बोले भाई दूध नहीं निकालना आता तुमने। कमेंट करके वह सारे भाई जरूर बताने कौन सा तरीका मेरे के हिसाब से बेस्ट है। बिल्कुल सारा परिवार अपने बीच में बैठा है, दीनदयाल भाई है, तो आगे फिर कौन से मिलेगी तैयारी दीनदयाल जी? आगे जी भी आप भैंस नहीं करवाएंगे जी, दूध अभी इटमारी है, इटमारी है जी, अगर दूध घटा तो देगी हाँ। तो हम ले जाएंगे नहीं जी, दूध नहीं घटाया भैंस ने, सीमन कैंसिप कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, कुरुक्षेत्र मेले में? कुरुक्षेत्र मेले में ले जाएंगे 5-7 जनवरी। हाँ, कुरुक्षेत्र में पूरा खिला पिला लियो मेले खतर, कुछ खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं जी इस भैंस को, हमने अब की बार तो नहीं डरोगे फिर? अब नहीं डरेंगे जी, अच्छा कुछ हो जाओ, खुल गया दीनदयाल का, कुछ भी हो जाओ हैं भाभी जी। हाँ जी, अब दिल खुल गया। तो ये कई बातें हैं भाई बहुत से, क्योंकि नया पशुपालक भाई है, नए पशुपालक है, नई नया परिवार है, नए तरीके से पहली बार मेले में पहुंचे थे भाइयों ने, बिल्कुल कोई नहीं, हम तो दीनदयाल जी ने का तीसरा स्थान भी आया, परमात्मा का आशीर्वाद है, आपके जोटी बनी गए और आप बिल्कुल आगे पहले साहब बहुत उम्र पड़ी अभी बहुत टाइम पड़े, जैसे जीतने वाले में पता है जी भैंस ये जीतती। अच्छा, ज्ञान नहीं है तो ये बात बिल्कुल भाई साहब ने बोली है, भाई दीनदयाल जी से आपकी मुलाकात कराई है बिल्कुल, क्योंकि कुछ बातें थी जो भाई साहब ने बोलनी थी, इस करके वीडियो बनाने के लिए भाई जी के पास आप थे गाँव में, और बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई साहब ने जोटी तैयार कर रखी है, अभी टमारी है, कितने दिन हो चुके हैं वैसे डिलीवरी को? 25 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे भाभी जी, 2 महीने डिलीवरी को हो जाएंगे भाई। आज जो आप आया वीडियो बनाने लग रहे हैं, क्या डेट अंकित जी? आज 9 दिसंबर 9 दिसंबर को भाई साहब की वीडियो बनाने लग रहे हैं भाई। और भाई साहब हम दूध निकाल के ले गए थे यहाँ 14 किलो 140 ग्राम घर पे उसी दिन हमने 9 बजे पता लगा मेला है भाई फलानी जगह, तो हम तुरंत गाड़ी बुलाई, आध घंटे में बैठा के ले गए गाड़ी वाले, हमने पहली बार का काम था पता था नहीं था, उसमें आगे से चार खुला छोड़ दिया। अच्छा, तो ठंड लगी भैंस को, वह नामोनियम आ गई थी भैंस। ठीक ठीक ठीक, और नामोनियम होने के बाद भी भैंस को इतनी रिकवरी करी थी, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी रिकवरी करी, बढ़िया। 14 किलो दूध पर आ गई थी जी भैंस। ठीक ठीक ठीक, 14 किलो दूध यहां से गई ना, उस टाइम 14 किलो दूध रेडी था, तो मतलब पहले से तो कम हो रहा दूध, क्योंकि बीमार बीमार बता रहे हो, 1275 कब निकाल ले आई ये 2-3 दिन की बात। अच्छा, मेले की व्यवस्था की बात करा,
मेले की व्यवस्था कैसी थी दीनदयाल के हिसाब से? मेले की व्यवस्था बढ़िया थी जी, हमारे हिसाब से सब बढ़िया थी। संघ में बिल्कुल धर्मपत्नी सविता जी और दीनदयाल जी दोनों बिल्कुल मेले में गए हुए थे। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं आपको जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। एक बार राम राम कर दे भाई साहब, सारे भाइयों को राम राम भाई।